नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि कमोडिटी का लेवल दे दूँगा, तो मैंने ये कमोडिटी का लेवल देता हूँ, आप लोग ज़रा नोट कर लीजिए। वही बाई ऑफ लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएँ तरफ। सेल बिलो बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से टारगेट 8 दाएँ तरफ। ऑल्टरनेटिव सेल लेवल, ऑल्टरनेटिव बाई सेल लेवल भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये बाई अबव लेवल टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और सेल बिलो लेवल ऐसा, ये आप लोग जानते हैं। मैंने बोला था कि ये जब गैप अप गैप डाउन होगा तो इसमें करने का सुविधा होगा, और ये कमोडिटी में ऐसे ही गैप अप गैप डाउन ज़्यादा होता है तो एंड ऑफ द डे में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। लाइट मार्केट में भी, लाइट मार्केट में ही फ़ायदा होता है। तो तब भी आप लोग का जो रिक्वेस्ट किया है तो इसी का हिसाब से मैंने ये कंसीडर करके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये इसमें इस लेवल पे आप लोगों को शायद सुविधा हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो लेवल है ये बहुत नज़दीक है, आप लोग देख सकते हैं इस लेवल में वो लेवल्स बहुत नज़दीक है। तो ये गैप अप गैप डाउन में होगा तो काम नहीं चलेगा, तो ये लेवल आप लोग को काम करेगा, काम में आ सकता है। और ये आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग पढ़ सकता है जो मैंने बोला, वो मैं इसमें लिखा है वो आप लोग पढ़ सकता है अच्छी तरह से कि कैसे ट्रेड का किया जा सकता है ये लेवल के ऊपर। ये फर्स्ट लेवल के बारे में ही दिया है, ऑल्टरनेटिव लेवल के बारे में नहीं दिया है, नहीं लिखा है। वो जो फर्स्ट लेवल लिखा है उसी का ये लिखा है, और मैंने कुंडल का चार्ट दिखाता हूँ। ये कुंडल का चार्ट है, ये एक्चुअली रेनको चार्ट है, तो इसीलिए इसको 5 मतलब सिलेक्ट करके मैंने ये जो मेरा जो लाइव मार्केट में ये आप लोग को काम पे आएगा, आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे तो इसमें आप लोग को प्रॉफिट होंगे तभी आप लोग प्रॉफिट का शेयर करेंगे, नहीं तो कोई मेरा कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ये 1 मिनट का लेवल है, ये आप लोग को डेली चार्ट में नहीं दिखेगा, डेली चार्ट में इसको वैल्यू अगर इसका टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ये आप लोग को डेली चार्ट में दिखेगा कैसे ये अप है या डाउन है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।